अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कीमा करेले। मेरे पास आधा किलो करेले हैं, इनको मैंने पहले धो लिया है। इनको आप धो लें। ये बेचारे पता नहीं कहाँ से आए हैं, एशिया से आए हैं, धक्के लेते लेते हमारे पास पहुंचे हैं। धोना इसलिए जरूरी होता है। आप इनको उठा के इधर रख लेंगे और ये जो करेला, इसको पकड़ेंगे, एक को ये छिलका ऊपर वाला ऐसे उतार लेंगे, प्लेट में उतारेंगे, जाया नहीं करेंगे। इसको भी हमने पकाना है। इस तरह करके मैं उतार लेती हूँ। अब ये मैंने छिलका उतार लिया, इसको साइड पे करेंगे और ये इनको साफ कर लिया, आगे पीछे से भी काट दिया। अब हमने इनको काटना है, अंदर से बीज निकालना है। काटना एक तरफ से है, हम आराम से और ध्यान से काटेंगे कि सिर्फ एक तरफ से कटे, नीचे वाले से ना कटे। ये छिलका जब उतर जाए ऊपर तो नरम हो जाते हैं। आप इस तरह काट लेते हैं और चम्मच की मदद से अंदर से इसका छिलका बीज निकाल लेते हैं। इस तरह सारे साफ कर लेते हैं। अब मैंने इनसे बीज निकाल लिया। सबसे एक बोल लेंगे, उसमें नमक डाल दिया, इसको अंदर बाहर से नमक लगा देंगे। अब नमक लगा दिया, इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब हम कीमा बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 3-4 हरी मिर्चें थी, लहसुन और अदरक, इसको मैंने चाप कर लिया। ऊपर मैंने हंडिया रखी, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, 3-4 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डाला। इसको फ्राई करेंगे। इसमें हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, पेस्ट फ्राई हो गया। अब हम अपना कीमा डाल देते हैं। कीमा मेरे पास है 1 किलो, ये बीफ का कीमा है। अब इसको खोल लेते हैं, साथ ही मसाले भी डाल देते हैं। मसालों में से कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब डालेंगे, जायके के हिसाब से नमक डालेंगे और मसाले को फ्राई करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। मसाले को मैंने फ्राई कर लिया, उसका अपना पानी जो छोड़ा वो खुश्क हो गया। अब इसमें डालेंगे प्याज। ये मेरे पास प्याज थे 1/2 किलो, उनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया। प्याज डालकर मिक्स करेंगे। प्याज डाल दिए, अब ढक्कन दे दें, हल्की आंच पे छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे, प्याज जो पानी छोड़ेंगे उसी में हमारा कीमा गल जाएगा। और 15 मिनट बाद फिर ये देखेंगे हमारा तैयार होता है। इन तक हम अपने करेले धो लेते हैं। करेले इस तरह धोएंगे और इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अब ये मेरे पास 5 बड़े साइज के टमाटर हैं, इनको काट लेते हैं। अब कीमा जो है तैयार हो गया, इसको ठंडा कर लेते हैं और अपने जो करेले हैं उनको फ्राई करते हैं। अब हम अपने करेले फ्राई कर लेते हैं। करेलों को मैंने धो लिया है। कई लोग जो हैं करेले इस वक्त भर के तो फ्राई कर लेते हैं, लेकिन वो टेस्टफुल नहीं बनते। हम पहले फ्राई कर लेंगे फिर इसको भरेंगे तो ये टेस्टफुल बनेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम इनको निकाल लेंगे। जब गोल्डन की तरफ जा रहे हैं और फ्राई हो गए हैं, और ठंडा होने का इंतजार कर। अब हम यूं करेंगे, करेला पकड़ेंगे, कीमा इसके अंदर डालेंगे, ऐसे डालकर उसको बंद करके धागे से लपेट लेंगे, धागा लेंगे, धागा डबल कर लें, लपेटते जाएंगे।
ये नहीं, सारा इसी तरह लपेट लेते हैं। पहले इस तरह ले, भर ले सारे, फिर एक बार धागा ले, सब पे लपेटते जाएं। ये मैंने करेले भर लिए। अच्छा, ये जो कीमा बनाया ना करेले भरने के लिए, इसमें आपने ज़रा भर नमक कम रखना है। अगर नमक पूरा भी रखोगे तो खाने वाला कहेगा कि नमक तेज़ हो गया, क्योंकि ये जो करेले होते हैं ये भी नमकीन होते हैं, तो इसमें आप नमक थोड़ा कम रखेंगे फिर आपके सही बनेंगे। तो आइए दूसरा मसाला तैयार करते हैं। अब हमने पैन ले लिया जिसमें करेले फ्राई किए थे, वही तेल है हमारे पास। अच्छा, अब उस तेल में ये जो हमने करेलों का छिलका उतारा था वो डाल के इसको फ्राई करेंगे। जब ये छिलके ब्राउन हो जाएं, टमाटर डाल देंगे। अच्छा, टमाटरों में अब मसाला डालेंगे, मसाला वही डालेंगे जो पहले डाला है ये मेरे। तो टमाटरों को हमने गलाना है, इतना ही डालना है कि जो टमाटरों को मसाला पूरा हो, ज़्यादा नहीं डालना। ये मेरे पास मिक्स मसाला है वो मैंने डाल दिया, क्योंकि कीमे में तो पहले मसाला डाला हुआ है। थोड़ा नमक डालकर इसको ढक कर पकाएंगे कि टमाटर हमारे गल जाए। हल्की आंच पर ढक देते हैं। टमाटर मैश हो गए हैं, अब हम अपना कीमा इसमें डाल देंगे। अब कीमा और टमाटर मिक्स कर दिए, अब इनको फ्राई करना है। 3-4 मिनट फ्राई करते हैं। अब आप इस वक्त अपना नमक मिर्च पूरा कर लें। मुझे नमक कम लगा, मैं नमक डाल लूँ। अगर आपको मिर्च भी कम लगे तो आप काली मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। 4-5 मिनट मसाले को मैंने कीमे को टमाटरों को मिक्स कर लिया, फ्राई कर लिया। अब हम इस पे अपने करेले रख देंगे। और अब हमें इसको 5 से 7 मिनट दम वाली आंच पे इसको पकाना है, छेड़ना नहीं है आप इसको। अब बंद कर दिया चूल्हा, 7 मिनट बाद हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे डिश आउट करते हैं। ये लेंगे, ट्राई करना, बहुत लजीज और मज़े के तैयार हुए हैं। अल्लाह करे आपको पसंद आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।